लखनऊ के पीजीआई में भर्ती है मुख्तार अंसारी, लेकिन उनके बेटे के आंखों में और जुबान पर दर्द तो देखा गया। निश्चित रूप से अगर एक पिता को हार्ट अटैक आया और वो अस्पताल एडमिट हो, भले ही वो खतरे से बाहर, लेकिन दर्द तो होता ही है, क्योंकि उसने जनसेवा तो की है, तभी तो जनता का प्रेम नजर आ रहा था। इस पूरे में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे की बातों से थोड़ा दर्द झलका और दुआएं भी देते नजर आए, और उन्हें दुआओं की मांग भी की हमारे माध्यम से, हमने उनसे कुछ बातचीत भी की। यह है उनसे बातचीत का अंश। देखिए, तबीयत में अब सुधार है, मगर ये कहना कि तबीयत ठीक है ये अभी गलत होगा, क्योंकि एंजियोग्राफी हुई है और एंजियोग्राफी के बाद करीब 24 आवर्स से 48 आवर्स तक तो पेशेंट को वैसे ही उसमें रखा जाता है, सर्विलांस में। अभी चल रही हैं जांचें, और भी जो शक है या जो भी चीज़ें उसकी जाँचें चल रही हैं। जैसे जैसे जाँच की रिपोर्ट आती रहेगी, तैसे ऐसे तस्वीर और साफ होती रहेगी। देखिए, शक को शक ही तक रहने दीजिए, जब पुष्टि हो जाएगी तो मैं खुद ही पुष्टिकरण कर दूंगा। इस बीच एक सवाल में अब्बास ने माता अफजा अंसारी की भी हालत पर जवाब दिया, और उन्होंने बताया कि अब माता जी की तबीयत ठीक है, लेकिन क्या कहा सुनिए। फिलहाल माता जी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। अम्मा को ट्रॉमा हुआ था, उसकी वजह से माइनर हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से बेहोश हो गई थी, क्योंकि जब ऐसा देखा उन्होंने तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मगर अब ठीक हैं, लेट नाइट उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, फिलहाल तो घर पे हैं, निगरानी में हैं, डॉक्टर्स उनके साथ हैं। बट पापा की पोजिशन अभी इन कंपेरेटिव मम्मा के थोड़ी सी ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। एक बात तो साफ दिखी कि पिता और माता जी के साथ जो हुआ, उसमें अब्बास अंसारी के मुखार से अपने पिता के लिए दुआएं मांगते हुए शब्द अवश्य निकले। उन्होंने दुआएं मांगते हुए कहा कि आप उन सभी लोगों से जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, अब्बास ने कहा कि उनके लिए दुआएं करें ताकि वे फिर से स्वस्थ हो जाएं। अब्बास की इस बात से तो ये बात तो जाहिर है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा पापा के चाहने वालों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, ताकि ऊपर वाला उनकी सेहत जल्दी बेहतर कर सके। कि अब्बास के हृदय में कहीं ना कहीं ये घटना बहुत बड़ी होना भी चाहिए, पुत्र के हृदय में पिता के प्रति ये प्रेम होना भी चाहिए, लेकिन बात इतनी स्पष्ट है कि दुआओं को मांगते हुए भी दिखाई दिए अब्बास अंसारी। इस बीच हमारी बातचीत पीजीआई में उपस्थित मुख्तार अंसारी के समर्थन में आए, यानी कि उनको देखने आए, उनका संवर्धन करने के लिए। ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं कि चारों तरफ उनकी दुआओं के लिए और उनकी उनकी बातचीत के लोग उपस्थित हैं। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं गंगीपुर से विधायक हैं। हम बात करते हैं कि उनको कब ये सूचना प्राप्त हुई थी और उनकी यहाँ पर उपस्थिति कब तक दर्ज हुई है, कैसे कब आपको सूचना मिली, और यहाँ पर चूँकि संबंध आपसे पुराने रहे हैं एक मित्रवत, तो कब सूचना मिली और कैसे यहाँ तक? हम लोग को सूचना तो कल ही मिल गई थी, लेकिन हम लोग सुबह आए हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से स्वस्थ हों। निश्चित रूप से इस घटना पर तो हर व्यक्ति दुखी है, चूँकि विधायक हैं, उसके साथ भी जनता से हमेशा जुड़ने वाले लोग हैं, इसलिए जनता भी आहत है, और निश्चित रूप से हम लोग कामना करते हैं कि जल्द स्वस्थ हों। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुआओं का दौर जारी है और मनोकामनाओं की इस सिलसिले में सिर्फ बात इतनी है कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से पुनः मुख्तार अंसारी फिर से स्वस्थता के साथ फिर से अपने कार्य क्षेत्र में या फिर से अपनी जगह पर वापस पहुँचें। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ चिन्ह दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।